हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्द ही कराने वाला है रेलवे। तो उसको लेकर दोस्तों, आपके लिए चैनल पर बेस्ट 100 एमसीक्यू की एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जहाँ पर आपको साइंस सब्जेक्ट के जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कराए जाएंगे और उनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। तो आपके 100 क्वेश्चन तो ये एमसीक्यू रहेंगे और अलग से कुछ जानकारी दी जाएगी, तो लगभग आपके 200 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एथलीट फुट किसके कारण होने वाला रोग है यानी डिजीज़ है। तो दोस्तों, जो एथलीट फुट बीमारी होती है वो कवक के द्वारा होती है यानी फंगस के द्वारा होती है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जीवाणु के द्वारा, जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है उसके वजह से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजुआ के वजह से कौन सा होता है, और आपको बताना है कि वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है, ठीक है। जीवाणु के वजह से एक रोग मैं आपको बता देता हूँ, हैजा होता है, और वायरस की वजह से एक रोग होता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो इतना सा आपको याद रखना है और आपको बताना है बैक्टीरिया और वायरस से कौन सा रोग होता है, एक एक रोग का नाम बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसके बारे में दोस्तों बताऊं कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं। जल वाष्प है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मैथेन यानी CH4, और नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है, ठीक है। ये सारी गैसें होती हैं ओजोन में, ठीक है। तो आपको इतना से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समायवीय है, ठीक है। तो आपको बताना है किसका आइसोमर है मिथाइल प्रोपेन। तो दोस्तों, मिथाइल प्रोपेन है एन ब्यूटेन का, यानी ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब समायवीय क्या होते हैं या आइसोमर, दोस्तों ये वो अणु होते हैं जिनका जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र समान होता है, यानी जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन जो रासायनिक संरचना होती है यानी केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ब्यूटेन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो C4H10 होता है, ठीक है, इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्यूज तार निम्नलिखित किस अलॉय मिश्र धातु से बना होता है। तो दोस्तों, जो एक फ्यूज तार होता है वो टिन और लेड से बना होता है, यानी बी आंसर करेक्ट होगा। इसमें टिन 63% और लेड आपकी होती है 37% तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं दोस्तों वैलेंटिना तेरेश्कोवा, और ये कौन से देश की हैं, ये रूस की पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, जो कि 1963 में अंतरिक्ष में गई थी, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट यानी भूस्थिर उपग्रह की कक्षीय अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जियोग्राफी क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर मैंने पढ़ाया था, भूस्थिर उपग्रह जिसकी अवधि होती है 24 घंटे, ठीक है। और जो इसके बारे में दोस्तों बताऊँ कि भूस्थैतिक कक्षा जो होती है यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। जैसा कि मैंने लास्ट डिस्कस करके बताया, लगभग 35,786 यानी आप 36,000 किलोमीटर इसको मान सकते हैं, तो 36,000 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होती है, भूस्थिर उपग्रह होता है, वो भू कक्षा में होती है यानी जो अर्थ की ऑर्बिट होती है उसमें होती है, और इसकी जो कक्षीय अवधि होती है भूस्थिर उपग्रह की वो पृथ्वी के घूर्णन की अवधि के बराबर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेंढक में परिवर्तन को नियंत्रित करता है। तो मेंढक में परिवर्तन को नियंत्रित करता है थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन दोस्तों एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि रक्त प्रवाह में स्रावित करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलायक को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। तो पानी को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है क्योंकि पानी विभिन्न पदार्थों को अलग करने में सक्षम है, इस वजह से दोस्तों ये एक अच्छा विलायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, बर्फ भी कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस भी कहा जाता है, और यह नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये द्रव को गर्म करने पर मेल्ट नहीं होता, यानी अगर इसके लिक्विड को गर्म करेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा, सीधे किस में, गैस में बदल जाएगा, ठीक है। शुष्क बर्फ जो होगा वो मेल्ट नहीं होगी, सीधी
गैस में बदल जाएगा, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, यानी अलॉय मेटल है इसका, ठीक है। इसके बारे में और बताऊं पीतल के बारे में कि कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, तो पीतल इसमें 67% होता है और जो जिंक होता है यानी जस्ता होता है वो 33% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति को मापा जाता है? दोस्तों लेंस की शक्ति यानी पावर ऑफ लेंस को मापा जाता है डायोप्टर में। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का, केल्विन तापमान का होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आपका आंसर है डायोप्टर। अगर डायोप्टर निकालना है किसी लेंस की क्षमता, तो इसके लिए फॉर्मूला है D=1/F, एफ जहाँ पर फोकल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र को किससे मापा जाता है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला में मापा जाता है, ठीक है। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे और एक टेस्ला दोस्तों बराबर होता है, एक टेस्ला आपका बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की SI यूनिट क्या है, SI इकाई क्या है? तो न्यूटन है बल की SI यूनिट, और बल को निकालने के लिए फॉर्मूला है F=ma। एफ यहाँ पर फोर्स है, एम यानी मास यानी द्रव्यमान, ए त्वरण यानी एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसमें जो रॉकेट गया था उसका नाम है था PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-11, ठीक है। और कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है? तो अप्सरा जो रिएक्टर है वो भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है, जिसको बार्क ने डिजाइन किया था, यानी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसने डिजाइन किया था अप्सरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस डैश का एक छोटा क्षेत्र मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको बताना है ये किसका पार्ट है। जो हाइपोथैलेमस है वो मस्तिष्क का भाग है, और इसका कार्य क्या है दोस्तों हाइपोथैलेमस का, इसके मुख्य कार्यों में से एक है कि तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है यानी पीयूष ग्रंथि के माध्यम से अंतरास्रावी तंत्र से जोड़ना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? दोस्तों AB रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है, यानी ये क्या होता है सर्वग्राही होता है, और जो ओ समूह होता है वो सर्वदाता यानी सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रपिंड यानी सेंट्रोसोम केवल डैश कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों जो सेंट्रोसोम होता है वो आपका सिर्फ पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, और प्रत्येक पशु कोशिकाओं में एक केंद्रपिंड होता है यानी सेंट्रोसोम होता है और लाइसोसोम होता है, जबकि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें ये नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा पशु कोशिकाएं यानी प्लांट सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला है MgCO3। दोस्तों जो मैग्नेसाइट है वो अल्ट्रामेफिक चट्टानों में सर्पेंटिनाइट की तरह पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एक उपधातु है इनमें से? आपको बताना है कौन सा तत्व एक उपधातु है इसमें से। उपधातु दोस्तों कौन सा है? सिलिकॉन है। अब उपधातु क्या होता है दोस्तों? ऐसा एलिमेंट होता है, तत्व होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज धातु से मिलती हैं यानी मेटल से मिलती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज अधातु यानी नॉन मेटल से मिलती हैं, तो उपधातु है, ठीक है। सिलिकॉन IC कंडक्टर वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ यानी फ्लेम का सबसे भारी हिस्सा सबसे गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसका पूर्ण दहन होता है, इसलिए वो सबसे गर्म होता है, ठीक है। लौ के ऊपर पूर्ण दहन यानी बाहरी हवा से ऑक्सीजन खींचता है, इसलिए बहुत अधिक गर्म होता है। और दोस्तों जो लौ का भारी भाग होता है वो रंग में कैसा होता है? नीला होता है। रंग में जो लौ का भारी भाग होता है वो नीला होता है, और इसको ही बोलते हैं गैर चमकदार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? तो कौन सी गैस बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कैसे होता है? जब CO2 गैस को चूने के पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन यानी विंड टर्बाइन किस ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है पिंड, जो विंड होती है पवन टर्बाइन, वो
मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है किसको, काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को, ठीक है। एक जनरेटर द्वारा इस यांत्रिक शक्ति को यानी जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की उसको बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सॉफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है टैकोमीटर। और यह यंत्र जो होता है दोस्तों, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो चक्कर प्रति मिनट यानी RPM में दर्शाता है, और इसकी जो गणना होती है कैलकुलेशन वो एनालॉग डायल पर की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं, तो दोस्तों मृग मरीचिका जो रेगिस्तानें बनती है वो किस वजह से होती है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। अब क्या होता है मृग मरीचिका में, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो ये पूरी घटना है वो रेगिस्तानी इलाकों में होती है जहाँ लोग क्षितिज के पास पानी देखते हैं और इसे पाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो करीब जाते हैं पानी आगे बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर दोस्तों पानी नहीं होता है, जबकि ये सिर्फ दृष्टि भ्रम है, यानी ये भ्रम रहता है, वहाँ पर पानी नहीं रहता, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है मृग मरीचिका बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों जापान अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में जाक्सा को जाना जाता है, और जाक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ओके, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की दूसरी चंद्र परियोजना कब शुरू की गई थी, यानी चंद्रयान 2 दोस्तों कब शुरू किया गया था, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 शुरू किया गया था। क्या था इस मिशन में, इसमें दोस्तों एक ऑर्बिटर था, एक रोवर था और एक लैंडर था। किस लिए बनाया गया था, ताकि जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं वो प्राप्त कर सकें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च करने के लिए पूरा डिज़ाइन किया गया था, लेकिन जो हमारा विक्रम लैंडर था वो क्या हो गया था, संपर्क से हट गया था। अभी रिसेंटली उसका मलबा भी मिला है, जो कि इंडियन एक इंजीनियर ने उसको खोजा है। अब डिसाइड कर रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 है वो इसरो सोच रहा है कि चंद्रयान 3 नवंबर 2020 तक फिर से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट है, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों साइनाइड का रासायनिक नाम प्रूसिक एसिड होता है, ठीक है, और इसमें जो ग्रुप होता है वो C(NN) होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल चींटी के काटने में मौजूद होता है, तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो चींटी के काटने में मौजूद होता है, याद रखना है, और इसको जनरली कहते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखलन यानी कैटेनेशन का गुण किस में प्रबल होता है, तो दोस्तों ये कार्बन में होता है। अब श्रृंखलेशन क्या होता है दोस्तों, श्रृंखलन जब एक ही एलिमेंट यानी एक ही तत्व के परमाणुओं का यानी जो एटम है उनका एक सीरीज में जोड़ना श्रृंखलन कहलाता है। तो जो सबसे ज़्यादा किस में होता है, कार्बन में होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो कार्बन के ही पाए जाते हैं, ठीक है, यौगिक, तो इसमें ये गुण सबसे प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्व की संयोजकता यानी वैलेंसी बढ़ जाती है, तो दोस्तों ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है, तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। क्या होता है दोस्तों ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं, या फिर तत्व की संयोजकता क्या हो जाती है, यानी वैलेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी जो कोशिका है मानव शरीर की वो है शुक्राणु। ओके, शुक्राणु में क्या होता है दोस्तों, नाभिक यानी न्यूक्लियस की कमी होती है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मादा डिम्ब सबसे बड़ी कोशिका होती है, और अगर सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। तीनों मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है यानी माइंड का कौन सा पार्ट है जो आसन संतुलन और साम्यवस्था के रखरखाव को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों कौन सा भाग है, वो है सेरिबेलम। दोस्तों ये सेरिबेलम कहाँ होता है, मस्तिष्क के पीछे होता है, यानी माइंड जो हमारा होता है ब्रेन उसके पीछे, और सेरिब्रम के नीचे होता है, जो सेरिब्रम होता है उसके नीचे ही होता है, और साइज में ये सेरिब्रम से क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है यानी यूनिट
साउंड की यूनिट क्या है, तो डेसिबल में मापी जाती है साउंड, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जैसे सामान्य बातचीत करते हैं अपन, नॉर्मल कन्वर्सेशन, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रखी गई यानी 60 डेसिबल रखी गई है, ठीक है। हमारा जो कान है वो सुन सकता है कहाँ तक, 0 से 120 डेसिबल तक, ठीक है। आगे भी इसके बारे में बढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान मात्रा में प्रतिक्रिया करने पर ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है जो किस परिवर्तन के बराबर होती है, तो दोस्तों वो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होती है, यानी इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है, यानी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 2008 जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, ओके, कब, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, और जो चांद की कक्षा में पूछा था 8 नवंबर 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला लिटमस पेपर एक अम्लीय घोल के संपर्क में आने पर किस में परिवर्तित हो जाता है, तो नीला लिटमस पेपर जो होता है वो रेड कलर में यानी लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब लिटमस क्या होता है, एक वाटर सॉल्युबल मिक्सचर है जो क्या होता है, डिफरेंट डाइट से बना होता है, जो हमें लाइकेंस से प्राप्त होता है, पेड़ों में जो लाइकेंस रहता है उससे हमें प्राप्त होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यूरेनियम अपनी सभी रेडियोधर्मिता को खो देता है तो वह किस धातु में बदल जाता है, यानी जितनी भी उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी थी अगर यूरेनियम खो दी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोस्तों वो लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लेड के बाद, लेड के नीचे जितने भी परमाणु तत्व हैं यानी एलिमेंट हैं वो क्या हैं, रेडियो एक्टिव नहीं है, लेड से चालू होते हैं, तो लास्ट जो एलिमेंट है जहाँ से स्टार्ट होता है वो लेड है, ठीक है, तो लेड पर ही रुक जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण में सबसे सक्रिय घटक कौन सा है, तो उसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, इसका रासायनिक नाम भी है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है Ca(OCl)2, ठीक है, Ca(OCl)2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, यानी अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये दिया था न्यूलैंड ने, ठीक है, और कब दिया था, 1865 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है, तो रक्त का उत्पादन होता है अस्थि मज्जा में, यानी बोन नैरो में ब्लड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा क्या होता है दोस्तों, एक अर्ध ठोस ऊतक है जो हड्डियों के स्पंजी भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में खेती मुश्किल होती है क्योंकि इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो कम होती है, ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वर्णांता किस रंग की वर्णांता है, तो दोस्तों ये लाल और हरे रंग की वर्णांता है, ठीक है। अब इसके लिए टेस्ट कैसे करते हैं इसको, तो दोस्तों लाल हरे रंग की वर्णांता के लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है उसका नाम है इशिहारा कलर टेस्ट, ठीक है, इशिहारा कलर टेस्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट संपर्क में दो निकायों के बीच ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है, तो कहलाता है वो संचालन, और कब होता है, जब होता है दोस्तों जब अलग अलग तापमान पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मिसाइल निम्न से किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो ये DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिज़ाइन की गई थी, और ये दोस्तों जो मिसाइल है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिसाइल भारत की तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, यानी टैंक विरोधी यानी टैंक को नष्ट करने वाली मिसाइल है, तो ये है नाग, इसको भी दोस्तों DRDO ने बनाया था, और इसकी जो कैपेसिटी है यानी रेंज है वो 3 से 7 किलोमीटर तक की है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन रोग एक विरासत में मिला विकार है यानी क्या है, आनुवंशिक डिसीज़ है जिसमें शरीर में डैश की अत्यधिक मात्रा जमा होती है, तो विल्सन रोग में दोस्तों जो जमा होता है एलिमेंट वो तांबा होता है, और इस बीमारी में क्या होता है, जो तांबा होता है वो यकृत यानी लीवर और मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में क्या होता है, जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोटीन संश्लेषण में क्या घटित होता है? दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो दोस्तों कौन नष्ट करता है? क्लोरीन नष्ट करता है। ठीक है, कैसे नष्ट करता है? क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट हैं जैसे क्लोरो फ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये भी दोस्तों नुकसान पहुंचाती है ओजोन लेयर को। और ओजोन लेयर क्या करती है दोस्तों, जो सन की यूवी रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उसको उससे पृथ्वी को बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव का पता निम्नलिखित में से किसकी गंध के कारण लगता है? तो दोस्तों वो सल्फर यौगिक की वजह से एलपीजी रिसाव के गंध का पता हमें लग सकता है। और इसका कौन सा यौगिक रहता है? तो वो एथिल मरकैप्टन रहता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। ओके, इससे लहसुन जैसी गंध आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर प्रोसेस में किसका उत्पादन किया जाता है? तो हैबर एक प्रोसेस है दोस्तों, उसमें अमोनिया गैस का उत्पादन किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की जड़ता यानी इनर्शिया किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों किसी वस्तु की जड़ता यानी इनर्शिया डिपेंड करती है द्रव्यमान पर, यानी मास जितना ज़्यादा होगा, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, वस्तु की जड़ता भी उतनी अधिक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर कोई हल्की चीज़ दौड़ती हुई हमारे तरफ आ रही है तो हम उसे आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन अगर कोई भारी चीज़ आ रही है तो यानी द्रव्यमान जिसका ज़्यादा है तो उसे रोकने में हमें परेशानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़े का टुकड़ा जो कि सूर्य के प्रकाश में हरा दिखाई देता है, लाल प्रकाश में देखने पर वह काला दिखाई देता है, क्यों? सूर्य के प्रकाश में हरा दिखाई देता है लेकिन लाल प्रकाश में देखने पर वो काला क्यों दिखाया जाता है? क्यों? क्योंकि कपड़ा पूरी तरह से लाल रंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा यानी हीट यानी ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी। और बायोगैस दोस्तों गोबर वगैरह जितने भी हमारे घर से कचरा वगैरह निकलता है उसके द्वारा बनाई जाती है सौर ऊर्जा सूरज के द्वारा। ज्वारीय ऊर्जा यानी जो टाइड होते हैं, ज्वार होते हैं, उसके द्वारा जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है उसे टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों जो अंतरिक्ष में चलने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे उनका नाम था रूस से कॉल लियोनोर या फिर कॉस्मोनॉट लियोनोव। ओके, ये नाम आपको याद रखना है, जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले चलने वाले व्यक्ति थे रूस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था? तो दोस्तों सबसे पहला जो अंतर्ग्राहिक अभियान था वो हमारा मंगलयान मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन के से क्या होता है, रक्त में थक्का नहीं जमता, कमी से इसकी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो सकता है, B2 से आपको बताना है कमेंट में, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपका विटामिन ए से। ठीक है, B12 की कमी से क्या होता है वो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करने के लिए एक तरीके के रूप में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो दोस्तों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो दिया था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, अब प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन जो सिद्धांत था वो किसने दिया था वो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका विषाणु यानी जीका वायरस जो गर्भ के मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाता है यह किसके द्वारा जनित है? दोस्तों जो जीका वायरस है वो मच्छर के द्वारा फैलता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? तो ये जो वर्ल्ड है हमारा विश्व है उसके उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है ये जीका वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में संग्रहित होता है? तो दोस्तों जो डीएनए होता है वो मुख्य रूप से नाभिक में संग्रहित होता है, और इसका जो कुछ पार्ट होता है यानी ज़्यादातर पार्ट तो नाभिक यानी न्यूक्लियस में होता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जैसे पावर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों टमाटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो लाइकोपर्सिन एस्कुलेटम है। ठीक है, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेटम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो दोस्तों जो क्वार्ट्ज है वो सिलिकॉन का एक क्या है, ओर है। अब ये कैसा होता है, ये सफ़ेद कह सकते हैं या फिर रंगीन, और इसका उपयोग दोस्तों कहाँ होता है क्वार्ट्ज का, रेडियो और रडार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीसी दवा क्रोसिन क्या है? तो दोस्तों जो ओटीसी दवा क्रोसिन है वो दर्दनाशक और ज्वरनाशक दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? तो पटाखे का विस्फोट एक दहन यानी कम्बशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो जो टीवी रिमोट कंट्रोल है वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनके प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, यानी इंफ्रारेड तरंगों के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा यानी जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कौन करता है? तो दोस्तों यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित रेक्टिफायर द्वारा किया जा सकता है, और जो दिश धारा होती है वो केवल एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जीरो फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का कौन सा स्तर है जिसमें लंबे समय तक रहने से श्रवण क्षमता की स्थायी हानि हो सकती है, यानी अगर हम ज़्यादा देर तक इसको सुन लें इतनी क्षमता को तो हमें क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा 90 डेसिबल तक की, ठीक है। अब 110 से ऊपर के अगर हम सुनेंगे डेसिबल से ऊपर, तो ये दोस्तों ये जो सीमा होती है वो असुविधा की सीमा होती है, ठीक है, और 130 डेसिबल से ऊपर की अगर हम सुनेंगे तो ये दर्द की सीमा कहलाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं सैन्य सीमांकन रेखा यानी मिलिट्री डेमार्केशन लाइन यानी MDL से जाना जाता है। सैन्य सीमांकन रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट है मानव शरीर में दोस्तों ग्रंथियाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं में कोई विद्युत आवेश क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या समान होती है, इसलिए परमाणुओं में क्या होता है, जो विद्युत आवेश होता है वो नहीं होता है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या समान होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है तभी तो एक एटम बनता है, तो इसलिए उसका कोई क्या होता है, चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग कितना गुना भारी होता है? तो ये 1835 गुना यानी 1835 टाइम्स क्या होता है, भारी होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब दोनों का मैं मास बताऊं यानी द्रव्यमान बताऊं, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.6726 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का 9.109390 × 10⁻³⁶ किलोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान मुंह और गले के अंदर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जिस दर्पण यानी मिरर का यूज़ किया जाता है वो अवतल दर्पण है, इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये प्रत्येक मिनट के भाग को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है, यानी कान मुंह और गले के जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो अवतल लेंस यूज़ करते हैं यानी कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर किसके कारण स्याही अवशोषित करता है? ब्लॉटिंग पेपर दोस्तों स्याही अवशोषित करता है केशिका क्रिया यानी कैपिलरी प्रोसेस होता है उसके द्वारा क्या करता है, स्याही अवशोषित करता है। केशिका क्रिया दोस्तों पूरी तरह से द्रवों के प्रेस तनाव के गुण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट का चोक क्या है? तो दोस्तों ट्यूबलाइट में जो चोक लगा होता है वो एक इंडक्टर है। क्या करता है इंडक्टर, जो चोक करंट होता है उसको सीमित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था दोस्तों विलियम रॉन्जन को मिला था, और 2004 में जो IUPAC जो संस्था है जो नाम देती है केमिकल एलिमेंट्स को, उन्होंने क्या करा था 2004 में, जो 111 नंबर का एलिमेंट है, 111 परमाणु क्रमांक का जो तत्व है उसका नाम रख दिया था उनके सम्मान में रॉन्जेनियम नाम रख दिया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदक युद्ध क्षेत्र से दूरी बहादुरी
साहसपूर्ण कार्रवाई या आत्मत्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी ये वॉर टाइम अवार्ड नहीं है। तो ये किसको कौन सा दोस्तों चक्र दिया जाता है, ये अशोक चक्र दिया जाता है शांति के लिए। ठीक है, और अगर वॉर टाइम की बात की जाए तो परमवीर चक्र हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है। तो दोस्तों उसके जो वेग होता है यानी वेलोसिटी होता है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यानी क्षैतिज घटक होता है, वो स्थिर रहता है। उसके वेग का क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है। निषेचन के बिना फल के विकास को दोस्तों कहा जाता है व्युत्पन्न प्रारूप यानी पार्थेनोकार्पी। अब दोस्तों क्या होता है, जो पार्थेनोकार्पी को पौधे के हार्मोन जिब्रेलिन, जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है पौधे का, उसके रूप में भी जाना जाता है। और ये क्या करता है, ये निषेचन के बिना अंडाशय को परिपक्व बनाता है और बड़े फलों को क्या करता है, उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किस रोग से संबंधित है। तो ऑन्कोलॉजी संबंधित है केसर से। ठीक है, ये ऐसी शाखा है साइंस की जिसमें क्या होता है, ट्यूमर और कैंसर के रोगों का इलाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंग को किस अंग को रासायनिक कारखाना यानी केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लीवर को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है टॉक्सिक एलिमेंट यानी जो कि हमारे फूड में रहते हैं टॉक्सिक एलिमेंट यानी पेट में जो रहते हैं उसको फिल्टर करके बॉडी से क्या करता है, बाहर करता है लीवर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे बड़ा अंग भी है हमारी बॉडी का, लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इंसान है जिसका नाम आदित है, उसको हाइपर मेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे। हाइपर मेट्रोपिया को कहते हैं दोस्तों दूरदृष्टि दोष। क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया, तो जिस लेंस का यूज़ किया जाएगा उसका नाम है उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह को चालको जेंस के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस समूह को चालको जेंस कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का समूह 16 है उसको चालको जेंस कहा जाता है। और जो ये समूह 16 है दोस्तों उसको ऑक्सीजन फैमिली यानी ऑक्सीजन परिवार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोल्यूनियम भी होता है। तो इसको बोलते हैं चालको जेंस, जो आवर्त सारणी का ग्रुप 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व में सबसे कम गलनांक ठीक है और क्वथनांक होता है। तो सबसे कम होता है दोस्तों हीलियम में, 2He4 इसका क्या होता है एटमिक नंबर और 4 होता है इसका एटमिक वेट। कहाँ यूज़ किया जाता है हीलियम का, एक यूज़ बताता हूँ मैं आपको, गुब्बारे भरने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, तो बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निस्तारण किसका एक प्रोसेस है यानी प्रक्रिया है। तो दोस्तों मिश्रण का जो पृथक्करण होता है उसका एक प्रोसेस है निस्तारण। अब दोस्तों क्या होता है निस्तारण में, निस्तारण क्या करता है, अक्षेप से मुक्त किसी द्रव परत को हटाकर मिश्रण को क्या करता है, पृथक करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन आपको बताना है सत्य यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से दोस्तों जो स्टेटमेंट सही है, सभी तापमान पर क्वथनांक होता है, ये गलत है। बाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है और क्वथनांक एक विशिष्ट तापमान पर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी तीनों क्या है, रॉन्ग रहेंगे। और ये वाला जो सेकंड है बी, बाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है और क्वथनांक एक विशिष्ट तापमान पर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। तो जो तेजस विमान है वो भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। और ये किस लिए बनाया गया, तो ये पुराना जो हमारा विमान था MiG-21 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए इसको बनाया गया, तेजस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों के आंतरिक घर्षण बल को इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स को किस रूप में जाना जाता है। तो उसको दोस्तों बोलते हैं विस्कस बल यानी श्यानता बल। ठीक है, ओके, अब क्या होता है दोस्तों विस्कस बल,
अगर कोई द्रव दो द्रव हैं और उनकी लेयर्स यानी परतों के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है, जो लेयर के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है, तो उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स यानी विस्कस बल, श्यानता बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि का निर्माण करता है? तो अवतल दर्पण जो दोस्तों छवि का निर्माण करता है वो वास्तविक और उल्टी होती है, यानी रियल एंड अपोजिट। ठीक है, अगर समतल दर्पण के बारे में आपसे पूछें कि समतल दर्पण कैसी छवि बनाता है, तो वो बनाता है इमेजिनरी यानी आभासी और उसी आकार की। ठीक है, समतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण के रेफरेंस से पूछें यानी कॉन्वेक्स मिरर के रेफरेंस से पूछें, तो वो बनाता है आभासी यानी इमेजिनरी और वस्तु से छोटी यानी स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? तो कौन सा टिश्यू दोस्तों भोजन को एक पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर है फ्लोएम। ओके, जबकि जाइलम क्या करता है? जड़ों से, पौधों की जड़ों से तनों तक पानी पहुंचाता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकल कोशिका प्रोटीन का मूल खाद्य सूक्ष्मजीवियों को संदर्भित करता है। तो दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसमें? इसमें आंसर होगा ये सभी। एकल कोशिका प्रोटीन तब विकसित होते हैं जब रोगाणु अपशिष्ट सामग्री का क्या करते हैं? किटवन यानी फर्टिलाइजन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संरचना पौधे के तने के माध्यम से पानी पहुंचाती है? अभी मैंने आपको बताया उसका नाम है जाइलम। ठीक है, इसके परिणामस्वरूप क्या होता है दोस्तों? पानी क्या होता है? अधिक पानी जड़ से खींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक लेपन की प्रक्रिया कही जाती है। तो लोहे पर जिंक लेपन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। लोहे पर भी हो सकती है और स्टील पर भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण जो विद्युत प्रवाह को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है? ऐसा उपकरण जो विद्युत प्रवाह को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों जनरेटर। एक विद्युत जनरेटर एक ऐसा दोस्तों डिवाइस है जो बाहरी ऊर्जा से यानी एक्सटर्नल एनर्जी से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल ऊर्जा को आउटपुट के रूप में क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हेलीस्कोप का उपयोग किसने किया था? तो वो कैस्टली ने किया था, कैस्टली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण का यानी स्पेक्ट्रम का दृश्यमान भाग किसके द्वारा खोजा गया था? तो वो दोस्तों खोजा गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। दोस्तों जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम होता है वो विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसका वो हिस्सा होता है जो हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, मानव आँख को दिखाई दे सकता है। अगर इसकी वेवलेंथ की बात की जाए कि जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? तो वो 380 से 740 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपको 100 क्वेश्चन तो कराए, लेकिन साथ में उनके बारे में कुछ और भी बताया, जिससे आपके लगभग 200 से 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर अगले पार्ट में भी जल्दी मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले RRB NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए यदि कोई भी डाउट हो, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में। चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, वो सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जो दबाएं, ताकि आपको रहना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।